सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। पिंड बादल विखे करवाया गया सरदार प्रकाश सिंह बादल निमित श्रद्धांजलि समागम। गृह मंत्री अमित शाह सने सियासी आगुआ ने दी श्रद्धांजलि। स्वर्गवासी प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास शामिल हुए सरदार जगजीत सिंह दल की परिवार नाल वंडाया दुख। आगामी 6 मई जलंधर च रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। पार्टी उम्मीदवार के हक च करेंगे चोन प्रचार। स्वर्गवासी साबका मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल निमित श्रद्धांजलि समागम माता जसवंत कौर मेमोरियल स्कूल पिंड बादल विखे करवाया गया, जिथे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार बादल नूं श्रद्धा के फुल भेंट किए। इस मौके गृह मंत्री के नाल लोक सभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ते अनेक होर सीनियर आगुआं ने पहुंच के श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया, मनप्रीत बादल, डेरा ब्यास के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह, राजसभा मैंबर राघव चड्डा, ओम प्रकाश चौटाला, सुचा सिंह छोटेपुर, श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, साबका मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा, दलजीत सिंह चीमा, श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी, श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, परमजीत सिंह सरना सने पहुंचे सरासी दिग्गजा ने सरदार बादल नूं निघी श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके रागी सिंघा ने विरागमई कीर्तन करदियां विछड़ी रूह नूं शरदा दे फुल अर्पित कीते। इस दौरान पूरा पंडाल सरदार बादल नूं चाहुण वाले ते उहनां दे शुभ चिंतकां दे नाल भरिया होया सी। हर कोई अपने हरमन प्यारे नेता नूं शरदा सत्कार भेंट करन लई पहुंचे होया सी। दस्सीए कि सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सूबे विच 5 वार मुख्यमंत्री रहिंदिआं सूबे दे विकास लई अनेकां लोक भलाई कार्ज कीते ते अज इसे कार्जां दे कम्मां दी बदौलत इन्नी वड्डी गिणती विच उहनां दे चाहुण वालिआं दा इकट्ठ इस गल दी गवाही भर रिहा सी कि भावें सरदार बादल साडे विचकार नहीं रहे पर उहनां वल्लों कीते गए कम्मां दी बदौलत उहनां नूं हमेशा याद किया जाता रहेगा। देखो बादल साहब ना तो बहुत टाइम लाया, जो गल्लां जो विजन जो सोच उन्हां दी सी वो मेरा ख्याल है दुनिया के बिच बहुत घट बंदे सी। जे बादल साहब नूं एक इंसान की बजाय एक संस्था कह दी तां कोई असर नहीं आई गल। उन्हां दी सोच और वह हमेशा गरीबां प्रति एजुकेशन प्रति कि आपां जे तरक्की होनी है एजुकेशन ना हो जाए, जिवें मैरिटल स्कूलों की गल करते होंगे सी, यूनिवर्सिटी की गल करते होंगे सी, कॉलेज जो भी कितने मिलना उन्हें डिवेलपमेंट की गल करनी है, तरक्की की गल करनी है, तो खास करके यादगारा जो उन्होंने बनाई ने वो मेरा ख्याल है भी ना कहीं किसी ने सोचा सी ना अगे किसी ने सोचना। सो यहाजा इंसान पैदा होना एक युग का पलटा है तो बहुत बड़ा घाटा ना पूरा होने वाला घाटा है पंजाब नूं भी तो अकाली दल नूं भी तो बहुत कुछ उन्होंने तो सीखने को मिले। वैसे उन्होंने वर्गा का बनना संभव नहीं है पर फिर भी मैं समझदा उन्होंने तो सीख के कुछ ना कुछ असी हर व्यक्ति आपका सियासी जीवन में सुधार सकता है क्योंकि उन्होंने सारे गुण से सियासत वाले तो जिनी हलीमी नरमी उन्होंने हर बंदे की आराम नाल सह सुभा नाल गल सुन की समर्था, फिर जिहड़ा है हर किसी का सत्कार करना तो गरीब तो गरीब लोग तक जिहड़ा है उहदा दुख नूं समझना उहदी हर चीज़ नूं महसूस करना ये उन्होंने गुण सीगे तो फिर उहदे मुताबक ही उन्होंने सरकार चलाई है। अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन पदम श्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी वालों स्वर्गवासी सरदार प्रकाश सिंह बादल के परिवार के नाल दुख साझा किया गया जो सरदार प्रकाश सिंह बादल के श्रद्धांजलि समागम में भी शामिल हुए। इस मौके सरदार दर्दी ने सुखबीर बादल, बिक्रम मजीठिया, तरीबा हरसिमरत कौर बादल के नाल दुख साझा किया, विछड़ी रूह नूं वाहिगुरू के चरणों में निवास बख्शन की अरदास की। इस मौके सरदार दर्दी ने नाल चढ़दी कला टाइम टीवी के दिल्ली तो डायरैक्टर अमृतपाल सिंह ते स्टाफ रिपोर्टर अमरजीत सिंह भी मौजूद रहे।
भारतीय कुश्ती फैडरेशन के प्रधान नूं जिनसी शोषण मामले विच गिरफ्तार किए जाने की मांग नूं लैके जंतर मंतर उत्ते धरना लाई बैठे पहलवानां ते पुलिस विचाले देर रात झड़प हो गई है। झड़प दौरान दो पहलवान जख्मी हो गए, जिन्हां विच विनेश फोगाट का भरा भी शामिल दस्या जांदा है। पहलवानां ने दावा किया कि कुछ पुलिस मुलाजमान ने शराब पी के उन्हां नाल धक्का मुक्की की ते गालां कढ़ियां। पुलिस ने हालांकि दोषां तों इनकार किया। इस दौरान पुनिया ने किसानां ते उन्हां दे आगुआं नूं धरने वाली थां एकत्र होण दा सद्दा दित्ता है। विनेश फोगाट ते होरनां महिला पहलवाना ने भरे मन नाल कहा कि उन्हां देश वास्ते तगमे इस दिन लई जीते सन। जानकारी दे अनुसार आम आदमी पार्टी दे आगू सोमनाथ भारती, दीपेंद्र हुड्डा ते स्वाति मालीवाल सने कुछ होर लोग देर रात धरने वाली थां ते पहुंचे सन। इस दौरान पुलिस ने उन्हां नूं रोकण की कोशिश की, तां धरने ते बैठे पहलवानां नाल उन्हां दी तकरार हो गई। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि पुलिस ने उन्हां नाल बदसलूकी ते कुटमार की है। सोशल मीडिया उत्ते वीडियो विच कुछ प्रदर्शनकारी पहलवान पुलिस मुलाजमां उत्ते नशे विच दो पहलवानां ते हमला किए जाण दा दोष लाउंदे सुणदे ने। बजरंग पुनिया के नजदीकी रिश्तेदार दुष्यंत ते राहुल दे सिर ते सट्टां लगियां ने। इस दौरान पुलिस ने स्वाति मालीवाल ते दीपेंद्र हुड्डा नूं अपनी हिरासत विच लै लिया। ये दिन देखने के लिए मैं दिल्ली गया था देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आया था। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो बस भूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत मुझे सो रहा बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, वो लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इतनी इज्जत गिराओगे क्या? कबड्डी खिडारी संदीप अंबिया नंगल कतल केस विच पुलिस ने वड्डी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले विच सुरजन चट्ठा नूं गिरफ्तार कर लिया। जलंधर देहाती पुलिस ने चट्ठा नूं उसके घर तो ही गिरफ्तार किया। दस दिए कि सुरजन चट्ठा नॉर्थ कबड्डी फैडरेशन का मुखी है, जिसकी गिरफ्तारी की नंगल अंबिया की पत्नी ने मांग की सी। पुलिस वालों सुरजन चट्ठा तो पूछगिछ की जा रही है। पटियाला च उस वेले सनसनी फैल गई जदों नाभा रोड विखे पीआरटीसी ठेकेदार दा दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल कर दिता गया। मृतक की पछाण दर्शन सिंगला वासी सुनाम उधम सिंह वाला वजो हुई है। जानकारी मुताबिक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति वालों इस वारदात को अंजाम दिया गया। दसिया जा रहा है कि दर्शन सिंह नूं पांच गोलियां मार के मौत के घाट उतारा गया, जिन्हां विच दो गोलियां उन्हां दे सिर ते दो पिठ ते इक बखी च लगी है। इस संबंधी जानकारी देंदे एसपी सिटी सरफराज आलम ने दसी है कि घटना सवेरे करीब 9:40 से वापरी। दर्शन सिंह सिंगला की नाभा रोड से एसएस सर्विस प्रोवाइडर नाम की दुकान है। मोटरसाइकिल सवार हमलावर दुकान नजदीक पहुंचा तो जदों दर्शन सिंह वरना गड्डी से सवार होकर दुकान से आए तो कुछ हमलावर वालों गोलियां मार के उन्हों का कतल कर दिया गया, मौके तो फरार हो गया। पुलिस मुताबिक बाइक से सिर्फ एक व्यक्ति ही सवार से दर्शन सिंह कार च होर भी व्यक्ति सवार सन। पुलिस वालों इस मामले की गंभीरता जांच की जा रही है। जल्द ही मुलजम गिरफ्तार किए जाने का दावा भी पेश किया जा रहा है। चंडीगढ़ के सैक्टर 36 स्थित एमसीएम डीएवी कॉलेज की दूजी मंजिल तो बीए दूजे साल की विद्यार्थन ने छाल मार दी है। विद्यार्थन के रोण की आवाज सुन के कॉलेज स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। कॉलेज स्टाफ विद्यार्थन पीजीआई लेके गया, जिथे डॉक्टर ने उसको मृतक ऐलान दिया। मृतकों की पछाण कस्टम कलोनी सैक्टर 37 की रहने वाली अनन्या वजो हुई है। पुलिस की मुढ़ली जांच तो पता लगे कि विद्यार्थन दूजी मंजिल से बाथरूम गई, कुर्सी की मदद नाल बालकनी से चढ़ गई तो उतों छाल मार के उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस को विद्यार्थन कोलों कोई खुदकुशी नोट नहीं मिले। पुलिस विद्यार्थन का मोबाइल फोन से डिटेल की भाल कर रही। जलंधर उप चोण नूं लैके आम आदमी पार्टी ने हुण चोण प्रचार दे अंतिम दौर च अपनी पूरी ताकत ला देण दा फैसला कीता है। उप चोण लई पोलिंग 10 मई नूं होणी है ते वोटां दी गिनती 13 मई नूं होएगी। चोण प्रचार लई आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर ते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 मई नूं रोड शो करन लई जलंधर आ रहे ने ते उह 6 मई नूं पंजाब दे वख-वख शहरां च आम आदमी क्लीनिकां दा शुभारंभ करनगे ते शाम नूं जलंधर विच रोड शो विच हिस्सा लैणगे। मुख्यमंत्री हुण 8 मई तक जलंधर विच ही रह के चोण प्रचार च हिस्सा लैणगे। उस सवेर समय सरकारी बैठकों में हिस्सा लिया करनगे ते शाम के समय जलंधर के वख-वख विधानसभा हलकियां विच रोड शो करनगे। मुख्यमंत्री हुण अंतिम दौर च अपनी पूरी ताकत उप चोण च ला देणगे। उन्हां दा फोकस पेंडू खेतरां च रहेगा ते अंतिम दिनां च उह शहरी खेतरां च भी रोड शो करनगे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करदिया भारतीय जनता पार्टी से तिखा निशाना विनिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करदिया लिखा है कि भाजपा का पंजाब विरोधी ते किसान विरोधी चेहरा नंगा हो गया। भाजपा ने साडियां कोशिशों के बावजूद इस हाड़ी सीजन च मार्केट फीस 3% तो घटा के 2% कर दी है। आरडीएफ 3% तो 0% कर दिता है। मान ने भाजपा च शामिल हुए आगुआं घेरदिया कहा कि पंजाब का नुकसान 250 करोड़ मार्केट फीस से 750 करोड़ आरडीएफ कुल 1000 करोड़ कैप्टन जाखड़ मनप्रीत बादल बैंस भरा राणा सोढ़ी कांगड़ फतेहजंग बाजवा इंदर अटवाल जो नवे नवे भाजपाई बने ने इन्हां च हिम्मत है कि इस नुकसान का मुद्दा मोदी जी को चुकन। पंजाब सरकार ने सेहत खेतर च एक होर महत्वपूर्ण कदम चुकया। भलके लुधियाना च 80 नवे आम आदमी क्लीनिकां दी शुरुआत होण जा रही है। इस तरह मान सरकार पंजाबियों नूं 580 आम आदमी क्लीनिक सौंपेगी। इस तों पहलां पंजाब च 500 आम आदमी क्लीनिक पहलां तों ही चल रहे ने। 80 नवे क्लीनिक खोलण मौके दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मौजूद रहणगे। पंजाब च खोले गए आम आदमी क्लीनिकां दे विच 25,000 लोग हुण तक अपना इलाज करवा चुके ने। इन्हां क्लीनिकां च 41 तरह के टैस्ट कराए जाते हैं ते 80 तरह दी दवाइयां भी मुफ्त दित्तियां जांदियां। मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ते माता चरण कौर 5 ते 6 मई नूं जलंधर जिमनी चोन च पंजाब सरकार खिलाफ प्रचार करनगे। मूसेवाला के पिता ने इस संबंधी सोशल मीडिया से वीडियो जारी करके वोटरों तो हमायत की मांग भी की। उन्होंने दोष है कि राज सरकार जिथे मूसेवाला हत्या मामले च इंसाफ देने असफल साबित हो रही उथे वादे मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री वालों कोई भरोसा भी नहीं दिता गया। उन्होंने दसिया है कि जलंधर के वोटरों बेनती की जाएगी कि इंसाफ दवाउण ते सरकार की वादा खिलाफी के विरोध उन्होंने साथ देण। मूसेवाला के ताया चमकौर सिंह सिद्धू ने दसिया है कि 5 मई को जलंधर विखे वोटरों के दरों से फरियाद की जाएगी कि पंजाब के लोगों नाल धरोह कमाने वाली आम आदमी पार्टी नूं ना लगाया जाए। सरहदी कस्बा खेमकरण बार्डर बैल्ट होण कारण इत्थे सहूलत लेट मिलती है। खेमकरण की दाणा मंडी विच कणक दे अंबार लगे हुए ने। कई दिनों तो पई कणक की लिफ्टिंग ना होण कारण मंडी विच काम करने वाले पल्लेदार डाढ़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस मौके गलबात करदे हां पल्लेदारां ने दस्सिया कि तकरीबन एक हफ्ते तो मंडी विच बैठे ने, लिफ्टिंग ना होण कारण उह बहुत परेशान ने। उन्हां कहा कि जल्द तो जल्द लिफ्टिंग शुरू की जाए तां जो अपने घर जा सकण। इस मौके दाणा मंडी खेमकरण के सुपरवाइजर राजेश पुरी नाल गलबात की तो उन्होंने कहा कि 4,65,654 गट्टे इसकी 16 अप्रैल में परचेज हुई थी, जिस विच अज तक 84,620 गट्टियां की लिफ्टिंग हुई है, जदों की बाकी मंडी विच लिफ्टिंग होनी अजे बाकी है। बेशक तकनीक एडवांस होंदी जा रही है पर गुरदासपुर जिले का एक अजिहा पिंड जो अजे भी मिट्टी के भांडे बनाने विच मशहूर है। जो इस बारे करनैल सिंह नाल गल कीती तां उन्हां दा कहना सी कि कुछ साल पहला पिंड विच काफ़ी घर मिट्टी के भांडे बनाने का काम करते सन, पर हुण कुछ ही घर ने जो मिट्टी के भांडे बनाते हैं, पर हुण ना ही अगली पीढ़ी इस काम नूं सिख रही है। इस किरत नाल जुड़े लोगों का कहना है कि सानू अपने हत्थीं कीती मेहनत का पूरा मुल नहीं मिल रहा। बेशक लोगों नूं अनेकां बीमारियां ने घेरिया होया है ते मिट्टी के भांडियां च रख्या पानी जिथे कुदरती ठंडक दिंदा उथे ही सानू अनेकां बीमारियों तो बचा भी करता है। लोगों का रुझान मिट्टी के भांडियां वल वध रहा है क्योंकि यह भांडे बीमारी तो रहत। इकाना स्टेडियम वैसे तो लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स का घरेलू मैदान है ते इसे नाते किसी भी विरोधी टीम विरुद्ध उसनू समर्थन मिलना बनता, पर जो मैदान से महेंद्र सिंह धोनी होवे तो क्रिकेट के दीवाने हर हाथ टप के अपने चहेते क्रिकेटर लिए सब कुछ भुलन नू तैयार रहते हैं। अजिहा ही नज़ारा अदब के शहर लखनऊ में चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स विचाले मैच दौरान देखने मिले। हज़ारा प्रशंसक धोनी जी भर के देखने की आस ले स्टेडियम वाल खिंचे चले आ रहे सन। धोनी की 7 नंबर की जर्सी लिए विक्रेतावां नू मुंह मंगे पैसे मिले। इकाना स्टेडियम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी की 7 नंबर की जर्सी पहने प्रशंसकों नाल खचाखच भरिया होया सी। क्रिकेट के दीवाने धोनी नू देख के भुल गए सन कि उन्होंने अपनी टीम लखनऊ नू सपोर्ट कर। हुण नजर मारदे हां जदे मौसम दे हाल दे वल।
इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।